नमस्कार। हिंदुस्तान न्यूज डेली में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोम्या को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जाने से रोका गया। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोम्या ने सोमवार को दावा किया है कि कोल्हापुर जाते समय पुलिस ने उन्हें महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ में ही रोक दिया। किरीट सोम्या को सतारा जिले के कराड़ रेलवे स्टेशन हिरासत में ले लिया गया है। एक दिन पहले रविवार को भी सोम्या ने दावा किया था कि महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशरीफ पर उनके द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद पुलिस ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें कोल्हापुर जाने से रोका। कोल्हापुर के पुलिस अधीक्षक शैलेश बलकावड़े ने बताया कि जिला पुलिस की एक टीम कराड़ पहुंची और सोम्या को कराड़ रेलवे स्टेशन पर रोका गया और धारा 144 आदेश की एक प्रति दी गई। अधिकारी ने कहा, जब हमने उन्हें बताया कि उन्हें जिले में प्रवेश करने से मना किया गया तो उन्होंने सहयोग किया और अब वह कराड़ में एक संवाददाता सम्मेलन करने के बाद वापस लौटेंगे। किरीट सोम्या ने ग्रामीण विकास मंत्री एवं कोल्हापुर जिले के कागल से विधायक मुशरीफ पर भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने और रिश्तेदारों के नाम पर बेनामी संपत्ति रखने का 13 सितंबर को आरोप लगाया था। मुशरीफ ने सभी आरोपों को खारिज किया है। सोम्या का सोमवार को पश्चिमी महाराष्ट्र के इस जिले में जाने का कार्यक्रम था। उन्होंने कोल्हापुर के आधिकारिक राहुल रेखवार की ओर से जारी 19 सितंबर का एक आदेश दिखाया, जिसमें कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत उनकी जान को खतरा व उनके दौरे के मद्देनजर कानून व्यवस्था बिगड़ने आशंका को देखते हुए जिले में उनके प्रवेश पर रोक लगाई गई है। मुंबई ने नवघर थाने के वरिष्ठ निरीक्षक सुनील कांबले ने भी सौम्या को नोटिस जारी कर उनसे कोल्हापुर प्रशासन के आदेश का पालन करने को कहा है। सौम्या का मुलंड स्थित आवास नवघर थाना क्षेत्र में आता है। सौम्या ने ट्वीट करके इसे उद्धव ठाकरे सरकार की दादागिरी बताया। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए हिंदुस्तान न्यूज़ डेली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।